क्या आप जानते हैं कि अखबार के पन्ने में नीचे की तरफ छेद क्यों बने होते हैं? या फिर क्या आपको पता है कि नदी या तालाब में सिक्के क्यों फेंके जाते हैं? क्या आप जानते हैं कि हेलीपैड में एच का साइन क्यों बना होता है? और क्या आपको पता है कि घोड़े के स्टैच्यू में दोनों पैर ऊपर होने का मतलब क्या होता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, भारतीय सड़कों या किसी प्राचीन इमारत के बाहर घोड़ा और उसके ऊपर सवार योद्धा की मूर्ति होती है, जिसमें घोड़े के पैरों की पोजीशन अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी मूर्ति में घोड़े के दोनों पैर हवा में हैं, तो इसका मतलब ये है कि घोड़े की पीठ पर सवार योद्धा युद्ध भूमि में दुश्मन से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुआ है। वहीं अगर घोड़े की एक टांग हवा में है और एक टांग जमीन पर होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस घोड़े की पीठ पर सवार योद्धा युद्ध में बुरी तरह से घायल हो गया था और बाद में इलाज के दौरान उस योद्धा की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा अगर घोड़े के चारों पैर जमीन पर होते हैं, तो इसका मतलब होता है कि उसकी पीठ पर सवार योद्धा या राजा की मृत्यु प्राकृतिक रूप से हुई है और उसने युद्ध भूमि या फिर इलाज के दौरान दम नहीं तोड़ा है। ऐसे राजा या योद्धा को सौभाग्यशाली माना जाता था, जो अपने राजपाट का सुख भोगने के बाद प्राकृतिक रूप से मृत्यु की गोद में समा जाते थे। वहीं युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त होने वाले राजा या रानी को शूरवीर और निडर योद्धा माना जाता है। फैक्ट नंबर 2, किसी भी बिल्डिंग की छत या फिर सामान्य जमीन के ऊपर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए हेलीपैड बना होता है, जिसमें एच का साइन देखने को मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हेलीपैड में एच का साइन क्यों होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ये एच हेलीपैड की फुल फॉर्म को दर्शाता है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए बिल्कुल समतल जमीन चाहिए होती है, ताकि हेलीकॉप्टर के पंख या कोई पार्ट आसपास के पत्थर या जमीन से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाएं। इसके लिए समतल जमीन की तलाश करके उसके ऊपर बड़े अक्षर में एच लिखा जाता है, ताकि आसमान में उड़ रहे हेलीकॉप्टर के पायलट को दूर से ही हेलीपैड दिखाई दे सके। इसके अलावा ये एच साइन हेलीकॉप्टर को सही दिशा में मुंह करके लैंड करने में मददगार भी साबित होता है, जबकि ये साइन हेलीपैड के आसपास उड़ान भरने वाले दूसरे विमानों और हेलीकॉप्टर के लिए एक संदेशवाहक रूप में भी काम करता है। जिन इलाकों या बिल्डिंग के आसपास हेलीपैड होता है, वहां कोई दूसरा विमान या हेलीकॉप्टर एक दूसरे के रास्ते में नहीं आते हैं, जिससे दुर्घटना के चांस कम हो जाते हैं और हेलीपैड की वजह से आपातकाल के दौरान हेलीकॉप्टर की लैंडिंग और टेक ऑफ आसान होता है। फैक्ट नंबर 3, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि लोग किसी पवित्र नदी या तालाब में सिक्के फेंकते हैं, ताकि उनकी मन्नत पूरी हो जाए। लेकिन क्या आपको पता है कि नदी या तालाब में सिक्का फेंकने के पीछे सिर्फ धार्मिक वजह नहीं है, बल्कि इसके पीछे साइंटिफिक वजह भी है। दरअसल प्राचीन काल में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के बनाए जाते थे, जबकि इस तरह का मेटल इंसानी शरीर में बेहद कम मात्रा में पाया जाता है और काफी जरूरी होता है। जब सोने, चांदी या तांबे के बने सिक्कों को नदी और तालाब में डाला जाता था, तो उससे न सिर्फ पानी की शुद्धता बढ़ जाती थी, बल्कि पानी में कॉपर, जिंक और गोल्ड जैसे तत्व भी मिक्स हो जाते थे। वहीं जब उस नदी या तालाब के पानी को आम लोग पीते थे, तो उस पानी से शरीर को काफी फायदा मिलता था और लोग रोग मुक्त जीवन व्यतीत करते थे। वहीं बीते वक्त के साथ नदी और तालाब में सिक्के फेंकने को धार्मिक वजहों से जोड़ दिया गया था, ताकि लोग पानी में सिक्के डालकर उसके पोषक तत्वों को बढ़ाने में मदद करें। आज के समय में तांबे या सोने के सिक्के नहीं बनते हैं, इसलिए पानी में सामान्य सिक्कों को फेंकने से पानी में पोषक तत्वों की मात्रा नहीं बढ़ती है और इस वजह से आम लोगों को कॉपर की बोतल या फिर तांबे के लोटे में पानी पीने की सलाह दी जाती है। फैक्ट नंबर 4, भारत के ज्यादातर घरों में रोज सुबह अखबार आता है, जिसके पन्नों के निचले हिस्से में दो छोटे छोटे छेद होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अखबार में ये छेद कैसे बनते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं कि इन छेदों की वजह से अखबार को सही तरह से प्रिंट करने में हेल्प मिलती है। दरअसल अखबार को बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए छापा जाता है, जिसमें अखबार के पन्ने का सीधा और स्टेबल रहना बेहद जरूरी होता है। अखबार को सही जगह पर बनाए रखने के लिए मशीन में छोटी छोटी पिन लगी होती हैं, जिसमें अखबार के पन्ने को नीचे से फंसाया जाता है। ऐसा करने से अखबार में आसानी से छपाई होती है, जबकि पिन से अखबार को अलग करने पर उसमें छोटे छोटे छेद बन जाते हैं। इसके अलावा अखबार के कोरे पेपर को एक बड़े से रोलर में रोल किया जाता है, जिसमें पन्ने के सिरे को छिपाए रखने के लिए छोटी पिन लगी होती है और वो पिन अखबार में छेद की वजह बनती है। चूंकि ये छेद बेहद छोटे होते हैं और अखबार के लुक में कोई खास प्रभाव नहीं डालते हैं, इसलिए कंपनियां इन छेदों को छिपाने के लिए अलग से पैसे खर्च नहीं करती हैं।
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।